अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज इधर आया हूँ बाहर, तो देखा है ये अरसलान भाई कुछ अपनी गाड़ी खड़ी की है उन्होंने, तो ये सफाई कर रहे हैं गाड़ी की धूप में। कल बारिश हो रही थी तो आज इन्होंने गाड़ी धूप में खड़ी की और ये धूप लगवा रहे हैं गाड़ी को। ये देखें ये अरसलान भाई, देखा ही होगा इनको आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? एवरीबॉडी हाउ आर यू? क्या कर रहे हैं आज आप? सनी भाई आज आपको पता ना कि कल बारिश थी। अच्छा। गाड़ी पूरा दिन जो है वो बारिश में रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज धूप माशाल्लाह बहुत अच्छी निकली है। सही है। तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा ना खोल के इधर इसकी सफाई भी करें और जो है ना धूप वगैरह भी लगाएं गाड़ी को। सही है। तो इसलिए आपके सामने ही है, देख रहे हैं आप। हाँ सही है। ये धोई भी है या बस वैसे ही धूप लगा रहे हैं? सनी भाई धोई तो कोई नहीं आज। अच्छा। सिर्फ जो है ना इसको कपड़ा लगाया है। और आपको पता है कि दो तीन दिन पहले जो है ना मैंने कंपाउंड कराई थी गाड़ी। सही है। हाँ जी, तो उस वजह से धोने की जरूरत तो कोई नहीं। खैर हाँ बारिश हुई है कल तो इसलिए जी। तो अभी वैसे जो है ना इसको मैंने, ये देखे आप इधर लाए, हम थोड़ा अपना व्यूअर्स को भी बता देते हैं कि गाड़ी को जो है वो कैसे देखभाल करनी चाहिए। देखें इसके इंजन को मैंने अभी डीजल लगाया है। सही है। वाह। हाँ डीजल को, हाँ इसलिए इसको जो है ना डीजल इसलिए लगाते हैं कि जंग शंग जो होता है ना वो उतर जाता है। सही है। और मजीद जो है बारिश की वजह से जंग जो लग जाता है वो भी नहीं लगता। बिल्कुल यही बात है जी। तो ये देखें अभी कैसी चमक आ रही है। मैं जबरदस्त हो गया कि बिल्कुल पता लगा नया इंजन है जी। बिल्कुल, इसलिए धूप भी लगवा रहे हैं तो अंदर मेरे ख्याल में थोड़ी सी नमी थी। हाँ। तो स्मेल भी पता है आना शुरू हो जाती है, अगर गाड़ी के अंदर नमी हो, गाड़ी बंद रहे तो फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है। यही बात है। तो इसलिए जो है ना इसको धूप लगवा रहे हैं। तो जो देखने वाले हैं उनसे भी गुजारिश है जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो हफ्ते में एक बार जरूर जो है गाड़ी को चेक किया करें सही करके। सही है। हाँ वैसे तो जब भी चलाएं चलाने से पहले आपको हर चीज़ गाड़ी की चेक करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो है ना ये हफ्ते में एक बार खास टाइम देना चाहिए। डिग्गी में भी धूप लगवा रहे हैं? डिग्गी को भी लगवा रहे हैं। डिग्गी का, हाँ डिग्गी में असल में इसमें ना कोई गीली चीज़ रखी हुई थी मैंने। सही है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना नमी थी और स्मेल आना शुरू हो गई थी। सही है। इस वजह देखें वो डिग्गी का कपड़ा जो है वो भी मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है। ये डीजल इसमें भी गए? जी जी इसमें भी डीजल लगाया थोड़ा सा इसको ना, ये जो रिम है ना इसका, इसको जंग पड़ना शुरू हो गया था। हाँ, सही। तो इसलिए आज आप देख रहे हैं कि धूप है और माशाल्लाह गाड़ी को हम जो है वो ड्राई कर रहे हैं थोड़ा सा। और सुनाएं। और अल्लाह का शुक्र जबरदस्त। ये मॉडल कौन सा गाड़ी का? मॉडल सनी भाई ये 2003 मॉडल है। सही है। टोयोटा 2D टोयोटा क्रोला ये 2003 मॉडल। जबरदस्त जी। चलिए गाड़ी भी दिखाते हैं आपको, अभी गाड़ी दिखाएंगे भी उसको। भाई ये गाड़ी देखे, ये गाड़ी का मैंने व्यू दिखाया आपको। ये जो हवेली नज़र आ रही है पीछे ये सब अरसलान भाई की है। ये पूछते हैं इनसे अब ये इसके बारे में भी। जी जी सनी भाई जी, आप सनी भाई ये आपको पता है ना ये कुछ टाइम पहले ही हमने जगह ली है। ये बिल्कुल ये माशाल्लाह ये बड़ी बेहतरीन जगह हमें मिल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी खड़ी करने की हमें प्रॉब्लम थी तो इसलिए हमें जरूरत थी हमारी। जी जी ये इसलिए हमने ये सामान भी पीछे। जी जी ये सामान काफी, असल में ये पहले ना ऐसी ओपन जगह पे पड़ा होता था। सही है। तो कुछ गायब भी हो गया, लोग उठा के ले गए, तो इसलिए अब जो है ना ये आस्ता आस्ता शिफ्ट कर रहे हैं। ये हमारे अबू जो है ना वो आपको पता है ना कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग कंडक्टर हैं। सही तो है। ये उन्हीं का सामान, सारा सामान पड़ा हुआ है, ये सारा सामान रखा हुआ है ये। तो बाकी ये आपको पीछे माल्टू का बाग भी नजर आ रहा होगा। ये हमारे इंतहाई प्यारे दोस्त हमारे जिगर आशर अली बिशार ने, ये उनका बाग है। बिल्कुल। वो भी तो अभी रिसेंटली हमने यहाँ से माल्टे खाए भी हैं, बड़े मजे के माल्टे हैं जनाब। तो आशर भाई का वेरी वेरी थैंक यू। जी बिल्कुल। आशर भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। बाग भी दिखाते हैं। जी ये सामने बाग देखें आप, या बाग दिखाते हैं पहले। ये माल्टे लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं माल्टे, वैसे इधर से नज़र आएंगे आपको। ये माल्टे नज़र आ रहे होंगे आपको, ऐसे बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं माल्टों के। ये
भाई हमने ये पौधे भी लगाए हैं इधर, जो है ये प्लांटेशन जो है ये करनी चाहिए, बड़ी जरूरत है ये वक्त की। बिल्कुल यही जी, बिल्कुल ग्रीन एंड ग्रीन पाकिस्तान होना चाहिए। हाँ, हाँ, तो अभी रिसेंटली मैंने और ये आशर भाई दोनों ने हमने लगाए थे, ये स्पेशल हम गए नर्सरी से वहाँ से लेकर आए। ये हमने चीड़ का भी लगाया हुआ है, जामुन लगाए हुए हैं, द्रेक वगैरह लगाई हुई है। सही है, वो भी वो किधर वो। ये आज की वीडियो का खास पैगाम ये है कि अपने इलाके में ज़रूर जो है वो शजरकारी मुहिम शुरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दरख्त लगाएं। बिल्कुल यही बात है। चलिए अरसलान भाई शुक्रिया बहुत आपका। गाइस ये अरसलान भाई से हम बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने कि दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, ग्रीन पाकिस्तान होना चाहिए और दरख्त हमारी ज़िंदगी हैं, जो 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 हमें ऑक्सीजन देते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा गाइस दरख्त लगाएँ और पाकिस्तान को ग्रीन बनाएँ। और अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया।